कोटा लखीमपुर खीरी घटनाक्रम के विरोध में कोटा में आज कांग्रेसी सड़कों पर उतरे। शहर के तलबंडी इलाके में यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष श्याम सिंह जादौन के साथ कांग्रेस नेता अमित धारीवाल ने कैंडल मार्च निकाला। वहीं कुन्हाड़ी के चुंगीना के चौराहे पर कांग्रेस नेता अनिल सुवालका के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन हुआ। वहीं यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विजय सिंह राजू के साथ शहर के कंसुआ चौराहे से मशाल जुलूस निकाला और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला जलाया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष रविंद्र त्यागी ने घटनाक्रम के विरोध में कल कोटा में कांग्रेसियों की सामूहिक गिरफ्तारी के कार्यक्रम का ऐलान किया है। इसी के विरोध में कल जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा सारे कार्यकर्ता 10:30 बजे सीएडी चौराहे पे इकट्ठे होंगे। संभागीय आयुक्त कार्यालय के सामने प्रदर्शन करेंगे और हजारों के संख्या में फिर अपनी गिरफ्तारियां लेंगे कल वहां पे संभागीय आयुक्त कार्यालय के सामने। आज हम लोगों ने उसी के विरोध में योगी आदित्यनाथ का पुतला जलाया है और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब तक ये सरकार उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी तब तक कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में युवा कांग्रेस सभी अग्रिम संगठन लगातार योगी आदित्यनाथ और मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल के यूं ही सड़क पर उतरते रहेंगे।